Hello and Jai Hind everyone. How all of you are doing? I hope you all are doing fine. Sorry for that. And welcome to Force Defense Academy. I am Aryashree Solanki. And today, once again, I have brought a lecture topic for you all, जो हमारी GD में ही बहुत important होता है और India के international relation वाले topic से associated है, जो कि है neighborhood first policy. अब ये क्या है? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है? ठीक है, ये पॉलिसी क्या है, कितनी कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करती है, क्यों इन्वॉल्व करती है और इससे हमें क्या अच्छा मिलेगा, तो ये पूरा हम आज पढ़ेंगे. इसमें इंट्रोडक्शन में देखते हैं हम. नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इज़ अ सोवरेन पॉलिसी फॉरन पॉलिसी दैट इंडिया हैज़ बीन फॉलोइंग एवर सिंस 2014. इट मीन्स दैट द इंडियन गवर्नमेंट विल फोकस मोर ऑन इट्स टाइज विद इट्स इमीडिएट नेबर्स एज कम्पेयर टू इट्स अदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स. इसका मतलब क्या है? हमारे नेबर कौन होते हैं जिनका इमीडिएट हमारे घर के पास में घर होता है, एग्जैक्टली बाउंड्री शेयर होती है. ठीक है, तो ऐसे ही इंडिया के वो नेशंस जिनसे इंडिया की इमीडिएट बाउंड्री शेयर हो रही है उस पर जो है इंडिया थोड़ा ज़्यादा फोकस करेगा डिस्पाइट फोकसिंग ऑन इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स. ठीक है, तो ये है. मोदी गवर्नमेंट हैज़ टाइम एंड अगेन कॉइन द फ्रेज नेबरहुड फर्स्ट reiterating its stance on foreign policies. ठीक है, तो मोदी गवर्नमेंट लाई है ये. The first instance of neighborhood first policies could be seen when the SAARC nations were invited for the prime ministers. This is prime for the prime minister swearing in ceremony. Now after NDA's re-election, BIMSTEC members had been invited to attend the swearing in ceremony. मतलब it's all constantly revolving around कि मोदी गवर्नमेंट ने लाया है, SAARC का इंपॉर्टेंस है, BIMSTEC का इंपॉर्टेंस है. क्योंकि क्यों? क्योंकि इंडिया के उसमें नेबरिंग कंट्रीज जो हैं वो पार्टनर्स हैं इंडिया के साथ. दैट्स वाई वो दोनों ग्रुप्स का इतना इंपॉर्टेंस बताया गया है इसमें. नाउ मूविंग अहेड, सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? द मोदी गवर्नमेंट स्टार्टेड आउट विथ क्रिएटिंग कॉर्डियल रिलेशंस विथ ऑल इट्स नेबर्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड चाइना. ठीक है, तो सारे सबसे पहले जो हमें रिलेशंस मेंटेन करने की ज़रूरत है वो है पाकिस्तान और चाइना से. क्यों? क्योंकि उन्हीं से जो है थोड़ी आगे पीछे होती रहती है इंडिया की. बट ओवर द ईयर्स ड्यू टू द पाकिस्तान अबेटेड टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू टर्न अ कोल्ड शोल्डर टूवर्ड्स पाकिस्तान. बट क्योंकि पाकिस्तान जो है कभी सुधरता नहीं है, टेररिज्म पर टेररिज्म करते रहता है डिस्पाइट हैविंग सो मैनी ट्रीटीज एंड एवरी थिंग. इट ऑलवेज ब्रेक्स द ट्रीटीज एंड द पीस एंड द पैक्ट्स और वो टेररिज्म फॉलो करते ही जाता है. इसलिए इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ जो है कोल्ड शोल्डर टर्न कर लिया, मतलब थोड़ा इग्नोर करना शुरू कर दिया है. नाउ ऑल्सो एनी टाइज विद चाइना हैव लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंस ड्यू टू इंक्रीजिंग सपोर्ट ऑफ चाइना टू पाकिस्तान एंड सी पी सी इनवेडिंग पी ओके. तो चाइना से भी सेम सिचुएशन हुई है. क्यों? क्योंकि चाइना जो है पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है टेररिज्म बढ़ाने में, दैट इज वाई. अब ऑन द अदर हैंड इंडिया स्मॉलर नेबर्स आर एट अ स्टेज ऑफ ग्रोइंग डेवलपमेंटल नीड्स. स्मॉलर नेबर्स मतलब भूटान नेपाल एंड ऑल. एट सच अ टाइम बोथ इंडिया एंड इट्स नेबर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी. ठीक है, तो इंडिया जो है अब लार्जर नेबर्स जो है पाकिस्तान और चाइना उनके तरफ तो वी हैव टर्न अ कोल्ड शोल्डर. तो जो स्मॉलर नेबर्स हैं उन पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू डेवलप एंड दे आर वर्किंग टू डेवलप, है ना. नाउ इंडिया कैन इन्वेस्ट इन दीज कंट्रीज बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर ट्रेड एज वेल एज पॉलिटिकल टाइज. तो उनके पॉलिटिकल टाइज बढ़ाने में, उनके डेवलपमेंट बढ़ाने में इंडिया जो है बहुत हेल्प कर रहा है. बट चाइना अनदर इकोनॉमिक जायंट इन द रीजन हैज़ बिन रनिंग इंटरफेरेंस इन इंडियाज एस्पिरेशंस. चाइनाज प्रोजेक्ट्स हैव फास्टर डिलीवरी स्कड्यूल्स, ईजियर इंप्लीमेंटेशन एंड ईजियर फाइनेंसिंग मैकेनिज्म. बट अलॉन्ग विद देम कम डेब्ट ट्रैप्स विच स्मॉलर कंट्रीज आर नॉट एबल टू फिगर आउट. अब देखो थोड़ा जो है चाइना भी इन्फ्लुएंस कर रहा है. कैसे? मैंने नहीं बताया था एक वीडियो में कि पहले चाइना ने सोचा कि पाकिस्तान के थ्रू इंडिया पे प्रेशर बनाए और इंडिया को डेविएट करें, बट वो नहीं हुआ. तो अब चाइना नई चीज़ लाया कि इंडिया जिससे भी अपने यू नो रिश्ते अच्छे कर रहा है, चाइना भी वहाँ अपने टांग लेके घुस जाता है. सो दैट इज़ वॉट चाइनाज इंटरफेरेंस पॉलिसी इज़ नाउ. ठीक है, कि जहाँ भी इंडिया अपने रिलेशन सुधारेगा चाइना वहाँ इंटरफेयर करेगा ही. अब क्या होता है, चाइना का इंप्लीमेंटेशन फास्ट होता है, चाइना के हर प्रोसेस ज़्यादा स्मूथ है, ज़्यादा टाइम पे हो जाती है, है ना. तो जो स्मॉल नेशंस हैं वो थोड़े इससे जो है एंटाइस हो जाते हैं, है ना. लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि इसके साथ जो है चाइना उनको एक डेट ट्रैप में डाल रहा है. डेट ट्रैप मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, उनको डेट में डुबाते जाता है, लोन्स में डुबाते जाता है. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन रिलेशन विद इट्स नेबर्स. अब हमारे जो रिलेशन हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं हम. ठीक है, इंडिया मालदीव्स का क्या रिलेशन है? रिलेशन हैज़ बिकम लेस अग्रेसिव अंडर द मोदी गवर्नमेंट. मोदी गवर्नमेंट में जो है इंडिया मालदीव्स का रिलेशन थोड़ा इंप्रूव हुआ है. ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन मालदीव्स इंडिया मेंटेन्ड अ न्यूट्रल स्टांस डिस्पाइट अ कॉल फॉर मिलिट्री इंटरवेंशन बाई इंडिया बाई सम मालदीवियन कॉमेंटेटर्स. इंडिया रिफ्रेन फ्रॉम एनी इंटरफेरेंस. दिस शोड अ मोर पैसिव स्टांस देन वॉट इंडिया हैज़ यूजअली फॉलोड. ठीक है, तो मालदीव्स में जब इमरजेंसी लगी थी तो इंडिया हेल्ड इट्स न्यूट्रल ग्राउंड. इंडिया की पॉलिसी रही
कि अगर हाँ मेजॉरिटी केसेस में हम जो है कोई पर्टिकुलर साइड नहीं लेते, वी होल्ड अ न्यूट्रल ग्राउंड. ठीक है. नाउ द फॉर्मर गवर्नमेंट इन द मालदीव साइंड अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद चाइना, बट द न्यू गवर्नमेंट हैज़ एक्सप्रेस इट्स डिसअप्रूवल फॉर FTA एंड प्रपोज टू विथड्रॉ इट. तो ठीक है, चाइना ने भी इसमें इंटरफेरेंस किया, ऑफकोर्स फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो था चाइना का उसके साथ, है ना. तो गवर्नमेंट का इसमें क्या स्टैंड था, हमने न्यूट्रल ग्राउंड होल्ड किया, उसके कारण हमारा जो रिलेशन मालदीव के साथ थोड़ा लेस अग्रेसिव हो गया है, थोड़ा अच्छा हो गया है. तो ये मालदीव वाला पूरा था. नाउ मूविंग ऑन टू इंडिया श्रीलंका. डिस्पाइट द पॉलिटिकल ट्यूमल्ट दैट हैड ऑकर्ड इन श्रीलंका, इंडिया डिसाइडेड टू नॉट पुट आउट एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स. ठीक है. श्रीलंका हैज़ बीन सीन टू बी मोर इंक्लाइंड टू चाइना इन द रिसेंट पास्ट. तो ये तो पता है कि श्रीलंका में बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो गया था, एकदम सिविल वॉर टाइप क्राइसिस हो गया था. ठीक है, उसमें भी इंडिया ने एज सच कोई एक पर्टिकुलर साइड को लेते हुए कोई भी स्टांस नहीं दिया है, है ना. और श्रीलंका का ऑफकोर्स इन द रिसेंट ईयर्स चाइना की तरफ झुकाव ज़्यादा रहा है. और हम्बन टोटा पोर्ट हमने डिस्कस किया था, वो भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू था. ठीक है, जो चाइना का उसने प्रैक्टिकली जो चाइना ओन करता था, उसके कारण श्रीलंका को पूरा डेप्थ में कर दिया गया था. So that is all the Sri Lanka issue. Now, India on the other hand has been making efforts to restore the old friendship. It has taken the responsibility to operate the Hambantota Airport, which is called world's emptiest airport. ठीक है, तो अब देखो चाइना के कारण वो पूरे डेट ट्रैप में आ गया. उसके कारण क्या हुआ, वो एयरपोर्ट जो है एकदम खाली सूना सा रहता है, ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, इसलिए उसका एक और निकनेम है वर्ल्ड्स एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट. इंडिया ने एफर्ट्स किए हैं फ्रेंडशिप रिवाइव करने के लिए श्रीलंका से, कि अगर ऐसा होता है तो हम जो है आपका ये एयरपोर्ट फंक्शनिंग करने में हेल्प करेंगे. ठीक है. अब मूविंग ऑन टू इंडिया नेपाल, हमारे नेपाल के कैसे रिलेशन है. इंडियाज रिलेशन विथ नेपाल टर्न सॉर सिंस 2015, सो मतलब थोड़े से ख़राब से हो गए थे 2015 से. The current government in Nepal led by PM KP Sharma Oli came to power in 2018 through its anti-India campaign. India has since then tried to mend relations. Nepal has also expressed its inclination towards China lately. मैंने नहीं बताया चाइना बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है. तो 2015 से जो है थोड़े से इंडिया नेपाल के रिलेशन हल्के से ऐसे हो गए हैं. तो अब 2018 में जो वहाँ के अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, उन्होंने जो है एंटी इंडिया कैंपेन के थ्रू अपॉइंटमेंट किया खुद का, है ना. मतलब इंडिया के को छोड़ के नेपाल का भी झुकाव अब थोड़ा चाइना की तरफ ज़्यादा हो रहा है. अब आ जाओ भूटान और बांग्लादेश पे. दीज रिलेशन हैव इम्प्रूव्ड विद टाइम. तो अनलाइक नेपाल और श्रीलंका जो है हमारे थोड़े इंडिया हमारे जो भूटान और बांग्लादेश रिलेशन है वो टाइम से थोड़े ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं. आफ्टर डोकलाम भूटान रीट्रेटेड इट्स प्रो इंडिया स्टैंड एंड अंडर शेख हसीना बांग्लादेश हैज़ बिल्ट क्लोजर टाइज विद इंडिया. तो डोकलाम इशू जो हुआ था उसके बाद जो है भूटान को थोड़ा सा समझ में आया और उसने प्रो इंडिया जो उसकी स्कीम थी पहले उसको वापस अपनाई. और शेख हसीना के अंडर जो है बांग्लादेश से भी इंडिया के टाइज बहुत अच्छे हो गए. अब म्यांमार पर आ जाइए. इंडिया इज़ इन्वॉल्व इन सेवरल प्रोजेक्ट्स विद म्यांमार, लाइक कलादन प्रोजेक्ट, एशियन ट्राइलेटरल हाईवे एक्सेट्रा. हाउएवर CMEC, जिसका फुल फॉर्म है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, इज लाइकली टू बी अ मैटर ऑफ डिसकंटेंट बिटवीन द टू. देखो इंडिया म्यांमार के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, है ना, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, लेकिन एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो चाइना म्यांमार का फर्स्ट रहा है, दैट माइट बी अ प्रॉब्लम और दैट माइट बी अ लिटिल स्टोन इन द वे ऑफ इंडिया और म्यांमार रिलेशन. ठीक है, अब आ जाते हैं हम इंडिया अफगानिस्तान पर. नाउ इंडिया एंड अफगानिस्तान हैव ऑलवेज बीन फ्रेंडली नेशंस. हमने बताया था कि हमेशा से जो इंडिया ने अफगानिस्तान की बहुत हेल्प करी है. फिर अफगानिस्तान गवर्नमेंट का टोल हो गया, तालिबान आ गई, उसके बाद अभी भी तालिबान स्टिल वॉन्ट्स टू कंटिन्यू दैट गुड रिलेशन विद इंडिया. ओके, तो हमारा रिलेशन अफगानिस्तान से इतना ज़्यादा अच्छा था. हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, जैसे डैम, हाईवे एक्सेट्रा अफगानिस्तान में. हमने उनका पार्लियामेंट बनवाया, हमने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया. ठीक है, इंडिया हैज़ ऑल्सो एक्सप्रेस इट्स कंसेंट टू हैविंग तालिबान प्रेजेंट इन गवर्नमेंट नेगोशिएशंस. दिस इज़ अ न्यू डेवलपमेंट इन रिलेशंस. बिफोर दिस इंडिया डिड नॉट कंसेंट टू इट. तो अब जाके थोड़ा तालिबान की तरफ इंडिया थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, वरना पहले इंडिया ने इतना स्पेस नहीं दिया था तालिबान को. नाउ इंडिया पाकिस्तान. इंडियाज़ रिलेशंस विद पाकिस्तान हैव बीन टेंस इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स. दिस वी ऑल नो कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन हमेशा से रफ रहे हैं. Due to increased cross-border terrorism, of course the reason is terrorism. After the Pulwama attack and Balakot airstrikes, it further deteriorated. तो पुलवामा अटैक के बाद तो और ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी हालत. वी हैव सीन होल एंटायर वीडियो ऑन पुलवामा अटैक, कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, उसके बाद इंडिया ने क्या क्या किया एंड एवरीथिंग. नाउ अब इंडिया चाइना पे आ जाओ. रिलेशंस हैव टर्न्ड समवॉट कोल्ड आफ्टर द डोकलाम स्टैंड ऑफ. द वुहान मीटिंग लास्ट ईयर अटेम्प्टेड टू रिवाइव द पास्ट रिलेशंस, बट इंप्रूवमेंट्स आर येट टू बी सीन. तो जिससे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कश्मीर इशू और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है पाकिस्तान में, वैसे ही चाइना में जो है टेरिटोरियल एक्सटेंशन इशू है पहला, दूसरा डोकलाम इशू है. ठीक है, तो ये दो इशू के कारण इंडिया और चाइना की भी इतनी अच्छी बनती नहीं है. उसके बाद चाइना की जो इंटरफेरेंस पॉलिसी है जिससे वो इंडिया को एकदम इनसर्कल करना चाहता है टू ओवर शैडो इट, दैट इज़ ऑल्सो अनदर रीज़न जिससे हमारी और चाइना की जो है थोड़ी सी अनबन है.
China's repeated support for Pakistan, even at international forums, has been bone of contention since long. Pakistan ko support kar raha hai China, jabki Pakistan kar raha hai terrorism. To isse jo hai India thoda नाराज है. इंडिया इज़ नॉट ऑन द सेम टर्म्स विद चाइना. ठीक है, तो हमने सारी कंट्रीज़ का डिस्कस कर लिया है अभी तक. नेबरहुड पॉलिसी क्या था हमने ये भी डिस्कस कर लिया है, दैट वी विल गिव मोर अटेंशन टू आर इंस्टेंट नेबर्स. ठीक है, हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को देंगे ही, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम देंगे हमारे इंस्टेंट नेबर्स को. हमने हर नेबर से हमारी इनिशियल और आगे की और प्रेजेंट जो रिलेशन है, क्यों ख़राब हुई, कैसे हुई, आगे क्या होगा, वो सब कुछ डिस्कस किया. होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो. आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म वन मोर थिंग. अभी एफकैट के सारी बैचेस, सारी शिफ्ट, सारे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं. CDS आने वाली है और एफकैट की SSB भी आने वाली है. तो ऑल ऑफ यू जिसको SSB थोड़ा सा न्यू है, SSB कंसेप्ट जो थोड़ा क्लियर नहीं है, जो थोड़ा डाउट में है कि SSB कैसे क्लियर करेंगे, SSB में ऑब्स्टेकल्स कैसे होते हैं, SSB में बिहेव कैसे करना है ना, तो इन सब चीज़ों के लिए डू कॉन्टैक्ट नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. हमारे पास पूरा SSB इक्विप्ड ग्राउंड है प्रॉपर एकदम. ठीक है, तो डू कॉन्टैक्ट अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप कनेक्टेड. जय हिंद.